नसरुल्लागंज थाने में अवैध रेत के बाद अब मुरम मिट्टी का भी पॉकलेन के माध्यम से बड़े स्तर पर खनन होना शुरू हो गया है। ताजा मामला ग्राम छिपानेर के सामने आया है, जहां पर पॉकलेन मशीन से खनन किया जा रहा है। नसरुल्लागंज क्षेत्र में अवैध उत्खनन करने वालों के हौसले इतने बुलंद है कि मानो तमाम सरकार के कायदे कानून बोने साबित नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र के छिपानेर का है, जहां अब अवैध रेत के बाद मुरम के लिए भी दिन दहाड़े पोकलेन के माध्यम से कई जगहों पर खनन कर मोटी रकम कमाई जा रही है और जेब भरी जा रही है। बताया जा रहा है कि छिपानेर में रोड ठेकेदार के द्वारा पोकलेन के माध्यम से अवैध उत्खनन कर डंपर के माध्यम से छिपानेर से देवास जिले के पीपल लेलिया में सड़क निर्माण से साइड शोल्डर के रूप में प्रयोग की जा रही है और पटवारी से लेकर बड़े अधिकारी को इस मामले की जानकारी ही नहीं है। हालांकि जब मीडिया के कैमरे वहां पहुंचे तो उन्होंने काम बंद कर दिया, लेकिन उत्खनन करती मशीन कैमरे में पहले ही कैद हो चुकी थी। हालांकि अब इस मामले पर SDM दिनेश सिंह तोमर जरूर सख्त नजर आए और मीडिया के द्वारा मामला संज्ञान में आने के बाद तुरंत संबंधित अधिकारी को पहुंचाकर जांच करवाकर संबंधित के खिलाफ जल्द कार्यवाही की बात कही गई है। ये जो छिपाने में पोकलेन और डंपर के माध्यम से जो खनन करने का मामला सामने आया, क्या है? हाँ, वो आपने तो मुझे संज्ञान में आज लाए हैं, कल मेरे संज्ञान में आ गया था और कल ही मैंने नायबदार को इसके बारे में बोला है और शायद वो पहुंच भी गए हैं, तो कार्रवाई की जाएगी उसमें। तो अब इसमें आगे क्या प्रकरण बनेगा और क्या कार्रवाई की जाएगी? देखेंगे उसको, जो मिट्टी निकाली उसको प्रकरण बना के कार्रवाई करेंगे। क्या न्यूज़ के लिए नसरुल्लागंज से विजय कलमोर की रिपोर्ट।